हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन क्लासेस। इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एथ स्टैंडर्ड जोग्राफ़ी फिफ्थ चैप्टर ओशन करंट्स सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेसन में आप देखोगे एक एक्सपेरिमेंट दिया है एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या है एक बड़ा सा ट्रे लेना है एंड उस ट्रे में पानी डाल के उस पानी को आपको हीट करना है और उसमें कुछ प्लास्टिक के सीक्विल्स डालने सिक्वल्स यानी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े या तैरने वाले खिलौने स्टूडेंट्स जैसे वो पानी हीट होने लगेगा एक साइड से जैसे आप देख रहे हो इसमें कि जो लैम्प है वो बीच में नहीं बल्कि एक साइड में लगाया गया है so, सो जैसे वो पानी हीट होने लगेगा यू विल नोटिस दैट जो सिक्विल्स है यानी कि जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो खिलौने हैं स्लोली इट विल स्टार्ट टू मूव सो जैसे वो मूव होने लगेंगे तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स यह किसी तरीके का इंसानी दखलानंदाजी नहीं है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है पानी जैसे गर्म हो रहा है तो उसके गर्माहट की वजह से एक कॉर्नर का पानी गर्म हो रहा है एंड द अदर साइड ऑफ़ द वाटर द अदर साइड ऑफ़ द ट्रे इज कोल्ड सो इसमें दो तरीके का पानी बन रहा है यानी कि एक पानी जो है वो गर्म है और एक पानी जो है वो ठंडा है अब इससे क्या होता है दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है जो हॉट होत वाटर होता है इट इज़ लेस डेंस एंड कोल्ड वाटर इज़ मोर डेंस सो जो पानी होता है वो मूव करना शुरू कर देता है और इससे एक तरीके का करंट बनता है स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ आप ना हो आपने करंट वर्ड जो है वो बहुत बार सुना होगा अपने लाइफ में जी वही करंट जिससे हमारा फ़ैन चलता है हमारी टी वी चलती है मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है एंड ऑल बट डोंट मिक्स इट विथ दैट ये जो करंट है वो दूसरे तरीके का है और वो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली करंट होती है वो अलग तरीके की होती है बट दोनों में सिमिलैरिटी क्या है दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि जो वायर वाला करंट होता है यानी कि जो फैन एंड मोबाइल फ़ोन चार्ज करने वाला करंट होता है वो करंट भी मूव होता है एक डिरेक्शन में राइट right? और ओशन का जो करंट होता है वो भी किसी पर्टिकुलर डरेक्शन में मूव करता है फ्लो करता है सो so दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बस इतना ही है ना कि किसी और तरीके की सिमिलैरिटी जस्ट वायर करंट इट ऑल्सो फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ओशन करंट ऑल्सो फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वायर वाले करंट में एटम्स मूव करते हैं एनर्जी मूव करती है ओशन करंट में वॉटर मूव करता है अब ये जो वॉटर है वो कई अलग अलग रीजन की वजह से मूव कर सकता है जो हम फर्दर इस चैप्टर में देखेंगे लेट एस सी द जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इट विल ऑकर टू यू दैट एज द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इंक्रीजेज द प्लास्टिक सिक्वल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दनादर As the temperature rises, the density of the water decreases and becomes lighter. सो so, मैंने जैसा आपको बताया कि जो गर्म पानी होता है यानी कि जो पानी गर्म हो जाता है उसकी जो डेंसिटी होती है घनित्व होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है वो कम होने की वजह से क्या होगा कम होने की वजह से ये होगा कि जो पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो पानी ठंडा है वो नीचे की तरफ हो जाएगा फिर जो ठंडा पानी है फिर वो गर्म होगा फिर वो ऊपर की तरफ आएगा और बस ये एक तरीके के लूप में फ्लो होता जाएगा एक तरीके के लूप में एक तरीके के सर्कल में बस वो रोटेट होता रहेगा और पानी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा दे आर द वाटर हैविंग लो टेम्परेचर विच इज़ हैवियर रिप्लेस द वाटर विद द हायर टेम्परेचर आफ्टर टाइम द सिक्वल्स स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन तो ये जो पानी होगा ये जो सिक्वल्स होंगे वो क्या करेंगे एक सर्कुलर मोशन में पानी के साथ साथ में फ्लो करना शुरू कर देंगे और इससे हमको अंदाज़ा मिल जाएगा कि जो हमारे ट्रे में जो करंट बना है करंट यानी कि जो फ्लो बना है वो फ्लो सर्कुलर मोशन में जा रहा है क्योंकि पानी उसी तरीके से हीट हो रहा है फिर कोल्ड हो रहा है फिर वापस कोल्ड हो रहा है फिर वापस हीट हो रहा है और ये सर्कल बस चलता जा रहा है देयर इज़ मूवमेंट ऑफ दिस सिक्वल्स बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर तो ये सिक्वल्स मूव क्यों करेंगे क्योंकि पानी भी उस तरीके से फ्लो हो रहा है अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्ट्रेंज इंसिडेंट बताया है ये इंसिडेंट को मैं आप बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर ये बताया गया है कि एक कार्गो शिप था यानी कि बड़ी सी एक कंटेनर वाली शिप थी जो सेल करके जा रही थी अमेरिका की तरफ़ हॉगकॉन्ग से अब क्या होता है जैसे कुछ दूर आगे पैसिफिक ओशन में जाता है ये जो कंटेनर वाला शिप है हवाई आइलैंड के पास में जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने थे तो ओशन में जाने की वजह से मीन ओशन में वो किसी रीजन की वजह से टूट जाता है और वो जो कार्गो शिप होता है वो समंदर के अंदर समा जाता है डूब जाता है अब डूबने के बाद होता यह है कि जो भी उसके अंदर का टॉयज़ होते हैं यानी कि लगभग 28,000 रबर टॉयज़ होते हैं जैसा हमने प्लास्टिक का सीक्वेंस देखा वैसे रबर के टॉयज़ होते हैं वो ओशन में फ्लोट होने लगते हैं क्योंकि रबर के जो टॉयज़ होते हैं उसमें बहुत ही एयर होगा अगर तो पानी में डूबने वाले नहीं हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं ये इंसिडेंट कब हुआ था टेंथ जनवरी नाइनटीन में अब ये इंसिडेंट तो हो गया जो कंटेनर था वो डूब गया सारे जो खिलौने थे अट्ठाईस हज़ार खिलौने थे वो पानी के ऊपर तैरने लगा ये इंसिडेंट हो गया 10 जनवरी 1992 को इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 10 महीनों बाद दैट इज़ ऑन सिक्सटीन नवंबर 1992 इसके जो कुछ टॉयज़ थे जो पैसिफिक ओशन में जो शिप डूबी थी उसके कुछ टॉयज़ अलास्का तक पहुँच गए कुछ कुछ बर्लिन स्टेट तक पहुँच गए और कुछ तो आर्टिक ओशन तक चले गए सन दैट इज ईयर टू थाउजेंड तक यानी कि आठ साल दस साल वो टॉयज जो है वो समंदर में यहाँ से वहाँ बस घूमते रहे सो so, स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि जो एक एक्सपेरिमेंट हमने पानी में ट्रे के अंदर किया वही सेम इंसिडेंट हमारे अर्थ पे हो रहा है बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत ही बड़े स्केल पे यहाँ आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैप कि जो इंसिडेंट था वो कहाँ पे टेक प्लेस हुआ एंड उसके बाद जो टॉयज थे वो फ्लो हो होकर कहाँ तक पहुँचे यहाँ से कंटिन्यूसली देखिए कितनी दूरी है यहाँ पर 2007 तक वो फ्लोट हो होकर कोस्ट तक पहुँचते रहा और आता जाता गया देम ऑल्सो फ्लोटेड इन टू एंटार्टिक ओशन एटांटिक सॉरी सो सॉरी स्टूडेंट्स एटलांटिक ओशन फ्रॉम द आर्टिक सम ऑफ दिस रीच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका इन टू थाउजेंड एंड थ्री सम ऑफ द टॉयज हैड इवन रीच यूरोपियन कोस्ट बाई टू थाउजेंड एंड सेवन फ्राम हवाई आईलैंड रूट टू ऑस्ट्रेलिया सो जिस टॉयज इट ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड और ये ट्रैवलिंग उनको कैसे पॉसिबल हो पाया जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ओशन करंट्स जो ओशन करंट्स थे जो फ्लो ऑफ वाटर है हमारे अर्थ पे वो उसको इतने दूरी तक कंटिन्यूसली लेके आते जाते रहा और ये फ्लो अभी भी चलता ही रह रहा है राइट स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन द ओशन वाटर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स बेस्ड ऑन द डेप्थ सर्फिस एंड डीप वाटर डीप डेप्थ सर्फिस वाटर एंड डीप वाटर सो डिपेंडिंग उसके हाइट के ऊपर बेस्ड उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं ओशन के वाटर को फर्स्ट इज़ द अपर लेयर विच एक्सटेंड्स अप टू 500 हंड्रेड मीटर्स फ्राम सी लेवल और उसके बाद 500 हंड्रेड मीटर्स से गहरा पानी जो होगा वो डीप वाटर कहलाएगा द रीजन फ्रॉम फ्रॉम सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ 500 हंड्रेड मीटर इज़ कंसिडर टू बी सरफेस वाटर सो जैसे हमारा समंदर जो होता है उसके अंदर जो पानी है जो उसकी डेप्थ है अप टू 500 हंड्रेड मीटर्स इट इज़ नोन एज सरफेस वाटर एंड 500 हंड्रेड के मीटर्स के बाद में जो भी पानी होगा उसको हम डीप वाटर या डेप्थ कहेंगे सनलाइट कैन रीच टिल दिस डेप्थ सो सनलाइट का कुछ जो पार्ट है वो डीप डेप्थ तक जाता है द मूमेंट इन दिस लेयर ऑकर्स मेनली ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैनिटी सो इसमें जो मूवमेंट होता है पानी का वो सिर्फ और सिर्फ दो रीज़न की वजह से होता है वैसे तो कई सारे रीज़न हैं बट यहाँ पर आपको दो रीज़न बताए और भी रीज़न हम चैप्टर में आगे डिस्कस करते रहेंगे फर्स्ट टू रीज़न है वो है टेम्परेचर जो हमने ट्रे वाले एक्सपेरिमेंट में देखा वो और उसके बाद आता है सैनिटी सैनिटी मीन्स उस पर्टिकुलर पानी में कितना नमक यानी कि कितना सॉल्ट है सो स्टूडेंट्स डोंट गेट कन्फ्यूज देखो जैसे पानी में सैनिटी बढ़ता है यानी कि जो हमारा वाटर है उसमें जब सैनिटी बढ़ेगा तो उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट आ जाएगा और जैसे उसके अंदर बहुत सॉल्ट होगा तो उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी अब होगा क्या जो लेस डेंस वाटर है जिसके अंदर ज़्यादा नमक नहीं है वो ऑब्वियस वो ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि जो भी भारी चीज़ होती है वो ग्रेविटी की वजह से हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने कोर की तरफ उसको खींचता है और कोर की, तर, की तरफ कोर की तरफ पुल होने की वजह से वो वापस ऊपर आ जाएगा और ये प्रोसेस बस चलता रहेगा देन अगेन टेम्परेचर वाला जो फंडा है वो भी सेम है जो हमारा अर्थ है स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा फर्दर चैप्टर्स में कि जो इक्वेटर है हमारे अर्थ का दैट इज़ द मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट क्योंकि यहाँ जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा आता है और उसके बाद जो हमारे पोल्स हैं नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल वो ठंडा है वहाँ बहुत सारा बर्फ़ है तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब अर्थ का अर्थ के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है इक्वेटर पे तो इक्वेटर से वार्म मोशन करंट्स बनते हैं वार्म मोशन करंट्स यानी कि वो गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और ये निकलकर पोल्स की तरफ जाते हैं अब जब ये पोल्स की तरफ जाते हैं तो पोल्स पे से कोल्ड वाटर करंट आते हैं जो ठंडा पानी होता है वो आता है और फिर ये जस्ट जो सर्कल है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है जस्ट लाइक हमने जो ट्रे वाले एक्सपेरिमेंट में देखा वैसे ही उसके बाद थर्ड जो फंडा है थर्ड जो फैक्टर है वो है प्ले प्लानटरी विंड्स का प्लानिटरी विंड्स का जो प्लानटरी विंड्स हैं यानी कि जो हमारे अर्थ पे जो हवाएं चलती हैं उस हवे के वजह से भी ओशन करंट्स को फ्लो होने में हेल्प होता है अगर हवा बहुत ही तेज है तो पानी के बहाव को अपने हिसाब से ढालकर अपने हिसाब से लेकर जाएगा ना लेटस सी हॉरीजोंटल सरफेस ओशन करंट यानी कि जो सरफेस के ऊपर है जहाँ पे हमने यहाँ देखा ना जो अपर लेयर है 500 हंड्रेड मीटर्स वाला उसमें कैसे करंट फ्लो होता है द फ्लो ऑफ द ओशन सॉरी द फ्लो ऑन दर्फेस ऑफ द ओशन मूव्स ओनली 10% परसेंट ऑफ ओशनिक वाटर सो जो हमारा वाटर ओशन वाटर है उसका सिर्फ टेन परसेंट वाटर जो है वह सरफेस पे फ्लो करता है द सर्फेस फ्लो इज़ कंसिडर अप टू फाइव हंड्रेड मीटर्स ऑफ डेप्थ द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इन द ओशन इज मेशर्ड इन इज मेशर्ड इन सर्वड्राप यूनिट इट इज इक्वेलेंट टू वन मिलियन क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज पर सेकेंड द हॉरिजोंटल फ्लो ऑफ ओशन कर वाटर ऑकर्स एज एंड कोल्ड करंट्स दिस करंट्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर सो जो ओशन वाटर का जो डिस्चार्ज होता है यानी कि उसकी जो मूवमेंट है डिस्चार्ज यानी जो मूवमेंट है उसकी जो हरकत है वो कितने स्पीड में फ्लो करता है उसको हम नापते हैं वन मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड यानी हर सेकेंड में वो कितना क्यूबिक मीटर कितना मिलियन क्यूबिक मीटर वो क्रॉस कर रहा है उसको हम नापते हैं और जो ओशन जो सरफेस का फ्लो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सबसे स्पीड ही होता है करंट के मामले में वेर एल्स जो डेप्थ में जो करंट होता है वो थोड़ा स्लो फ्लो करता है एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा फैक्टर प्ले करता है वो है वार्म वाटर करंट एंड कोल्ड वाटर करंट वार्म वाटर यानी कि जो इक्वेटर से आता है इक्वेटर से जनरेट होता है और कोल्ड वाटर यानी कि जो पोल्स की तरफ से जनरेट होता है दिस करंट्स आर पुश टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय द प्लानिटरी विंग्स सो ये ज़्यादा डिस्टेंस इसको और एनर्जी कहाँ से मिलती है फ्लो होने के लिए जो हवाएं हमारे अर्थ पर बहती हैं उसकी वजह से उसको और भी स्पीड मिलता है और भी वो पुश होता है ताकि लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करके जा सके एज अ रिजल्ट द ओशन वाटर फ्लोज फ्राम इक्वेटर टू द बोध टू बोध द पोल्स एंड वाइस वर्सा तो ये जो प्रोसेस है वो बस वाइस वर्षा एक लूप में एक सर्कल के फॉर्म में बस चलते रहता है you have studied the map given in figure 5.4 earlier study the map again and answer the following questions so here is the diagram of the flow of currents isko aap study karke aap ye question answers ko answer kar sakte hain Simply students यहाँ पर आप देख ध्यान दीजिएगा कि जो blue वाले जो arrows हैं वो represent करते हैं cold water currents को and जो red वाले हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हॉट वाटर करंट को एंड दिस इज़ द इक्वेटर सो जैसा आप देखोगे इक्वेटर के वहाँ से जितने भी करंट्स जनरेट हो रहे हैं जो भी करंट बन रहा है वो वार्म वाटर करंट है रेड कलर के एरोज हैं और ये जो पोल की तरफ से पोल की तरफ से जितने भी करंट्स फ्लो होके आ रहे हैं दे आर कोल्ड वाटर करंट अब होता क्या है कि जब गर्म पानी और ठंडे पानी को आप मिक्स करोगे एक दूसरे के साथ में तो ये पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल होने के बाद फिर क्या होगा ये और भी जो करंट्स आ रहे हैं उसके साथ में मिक्स होकर फ्लो होते रहेगा एंड स्टूडेंट्स ये जो जोन होता है जहाँ कोल्ड वाटर करंट और हॉट वाटर करंट आपस में मिक्स होते हैं वो सबसे अच्छा माना जाता है फिशेस को कैच करने के लिए फ़िशिंग के लिए बिकॉज इसका दो रीज़न है स्टूडेंट्स आपने ध्यान दिया होगा कभी भी आप जब गर्म पानी से नहाने जाओ तो आप बहुत ही गर्म पानी से नहीं नहाते हो या फिर अगर आप गर्मियों में भी नहा रहे हो तो आप बहुत ही ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं करते हो आप क्या करते हो दोनों तरीके के वाटर को थोड़ा मिक्स करते हो उस पानी को अपने लिए फेवरेबल बनाते हो और जब आपको फेवरेबल हो जाए तब आप उससे नहाते हो राइट स्टूडेंट्स सो ऐसे ही जब ओशन में करंट फ्लो होता है हो, वाट हॉट वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट तो जो फिशेस होती हैं वो ब्रीडिंग के लिए यानी कि अपने एग्स देने के लिए बहुत ही ठंडा या बहुत ही गर्म पानी पसंद नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं ऐसे जोन में जहाँ पर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर करंट मिक्स होता है वहाँ जो उनके हिसाब से ब्रीडिंग के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो उसमें आकर अपने एग्स देते हैं और जब वो एक जगह बहुत सारे फिशेस जमा हो जाते हैं जो हमारे फिशेस होते हैं वो वहाँ पर जाके उस उसको फिशेस को इजीली कैच कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अ लार्ज बेसिस ओके लेट्स मूव फर्दर यू हैव स्टडीड दैट द ओशन करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर राइट उसका तापमान कितना होगा हॉट है कि कोल्ड है उसकी वजह से वो फ्लो करता है उसकी वजह से जनरेट होता है डेंसिटी पानी के अंदर कितना नमक है कितना सॉल्ट अवेलेबल है अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी वो नीचे की तरफ जाने लगेगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा और ये प्रोसेस बस मिक्सअप होकर चलते रहेगा और फिर प्लानिटरी विंड्स यानी कि जो हवा बहती हैं उसके वजह से इन एडिशन टू द फॉलोइंग रीजन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन एंड द फ्लो ऑफ ओशन करंट्स एंड देयर वेलोसिटी वेलोसिटी यानी कि वो ओशन करंट जो वो कितने स्पीड में कितने तेज़ी से फ्लो करेगा उसमें भी एंड स्टूडेंट्स इसमें एक और रीज़न होता है करंट्स को फ्लो होने में वो होता है हमारा जो ओशन है उसका स्ट्रक्चर ओशन फ्लोर का स्ट्रक्चर अगर कोई ऐसा जोन है जहाँ पर स्लोप है बहुत ही सारा और वहाँ पर काफ़ी डेंस वाटर है, वो नीचे सिंक कर रहा है तो उससे क्या होगा उसको बहुत ही ज़्यादा मीन्स चेंजेस मिलेंगे सो ये स्ट्रक्चर जो होता है ओशन फ्लोर का वो भी एक रोल प्ले करता है रोटेशन ऑफ अर्थ यस जो हमारे अर्थ का रोटेशन है वो करंट्स को फ्लो होने में डायरेक्शन देता है हेल्प करता है कि वो क्लॉकवाइज़ फ्लो होगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ द ओशन करंट्स मूव द ओशन करंट्स मूव इन क्लॉकवाइज वाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमेस्फियर एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमस्फियर सो जो हमारा अर्थ है उसमें दो हेमेस्फियर होते हैं स्टूडेंट्स राइट नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्दर्न हेमस्फियर होता है एंड साउथ पोल की तरफ साउदर्न हेमस्फियर होता है सो so, जो नॉर्दर्न हेमस्फियर है उसमें जो करंट जनरेट होता है करंट बनता है ओशन फ्लो का वो क्लॉक वाइज में होता है एंड इस तरफ जो होता है साउथ में वो एंटी एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है नाउ लेट अस सी कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा ओशन फ्लोर का स्ट्रक्चर है वो और जो कॉन्टिनेंट्स का यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ द कोस्ट लाइन अलाइनमेंट यानी कि वो कैसे उसके साथ तालमेल में है उसका क्या स्ट्रक्चर है वो कैसे अलाइन हुआ है ओशन के साथ में दैट इज अलाइनमेंट द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द ओशन करंट इज़ अराउंड टू टू टेन किलोमीटर्स पर आवर सो ओशन करंट है वो मोस्टली दो से दस किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर की स्पीड में जैसे हमारी बाइक या कार आपने कंसेप्ट सुना होगा कि दैट द बाइक वॉज ट्रैवलिंग ऑन लाइक ऑन द स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर्स पर आवर सिक्सटी किलोमीटर्स एटी किलोमीटर्स सो एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस तय करता है कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है सो ओशन करंट्स का जो एवरेज स्पीड है वो है दो से टू टू टेन आवर्स पर किलोमीटर द ओशन करंट आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स कोल्ड वाटर करंट एंड वार्म वाटर करंट यानी कि गर्म जो करंट होते हैं गर्म पानी वाला वो वार्म वाटर होता है और कोल्ड यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ से आता है ठंडा पानी का करंट दैट इज कोल्ड वाटर करंट इफेक्ट्स ऑफ ओशन इफेक्ट्स ऑफ ओशन सर्फेस करंट ऑन ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर ये जो ओशन करंट्स हैं चाहे वो कोल्ड वाटर करंट हो या वार्म वाटर करंट हो उसका क्या इफेक्ट होता है ocean currents especially affects the climate of the region having proximity to the sea in cold regions where warm water warm ocean currents flow climate becomes warmer so जैसे पानी गरम होगा उसमें से जो भाप निकलेगा यानी कि water वेपर निकलेंगे वो भी गरम होगा और वो जो वाटर वेपर्स निकलेंगे वो वहाँ के क्लाइमेट को थोड़ा बहुत इफेक्ट करेंगे थोड़ा बहुत इफेक्ट चेंजेस लाएंगे इन सम रीजन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस यानी कि जो बारिश का जो प्रेसिपिटेशन होता है वो भी बढ़ जाता है जब कोल्ड एरिया में वार्म वाटर करंट जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल द वार्म ओशन करंट फ्लोइंग नियर यूरोप वेस्टर्न यूरोप साउदर्न अलास्का एंड जापानीज कोस्ट रड्यूज इंटेंसिटी ऑफ विंटर्स देयर एंड मेक दैम वार्मर सो अलास्का में यूरोप में और जापान में जब वार्म वाटर करंट जाता है उस कोस्ट पे तो वहाँ का जो कोल्ड क्लाइमेट है उसको थोड़ा बहुत वार्म कर देता है जिससे लोग वहाँ से वहाँ पर राहत से रह सकते हैं एज अ रिजल्ट दिस पोर्ट्स डो नॉट फ्रीज इन विंटर सो कितने भी ठंडी हो वहाँ पे टेम्परेचर कितना भी माइनस चला जाए वहाँ के जो पोर्ट्स हैं वहाँ के जो यार्ड्स हैं शिप यार्ड्स वो कभी फ्रीज नहीं होते हैं जमते नहीं हैं हैंड ओशन करंट्स बीन एबसेंट द ओशन वाटर वुड हैव रिमेंड स्टिल इन सच वाटर द बायोटिक कंपोनेंट्स वुड हैव बीन डिवॉइड ऑफ फूड्स यस yes. सो so, अगर पानी फ्लो ही ना करे एक जगह स्टिल हो जाए तो पानी धीरे धीरे खराब हो जाएगा सड़ जाएगा जैसे आपने देखा होगा कहीं आपके घर के आसपास कोई तालाब हो या कोई छोटा मोटा पॉन्ड हो गड्ढा हो उसमें का पानी कैसा बन जाता है उसमें का पानी धीरे धीरे खराब हो जाता है बिल्कुल वॉयड हो जाता है सो so, इससे क्या होता है जब हमारा ओशन के जो पानी होते वो बहते रहता है तो अर्थ पे अलग अलग जगह ट्रैवल करता है वहाँ का जो सॉल्ट होता है मिनरल्स होता है वो सब कुछ उसमें मिक्स होते जाता है और पानी में ऑक्सीजन का लेवल जो बना रहता है नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है बायोटिक यानी कि जो जो भी जीवित चीज़ें हैं ओशन के अंदर वो सब धीरे धीरे वॉइड होने लगेंगे मरने लगेंगे सब्सिक्वेंटली मरीन लाइफ एंड इट्स इको सिस्टम वुड हैव बिन लिमिटेड लिमिटेड इन इट्स एक्सटेंट द रीजन वेयर कोल्ड एंड वार्म करेंट्स मीट प्लेंगटॉक वेजिटेशन एल्गे एक्सेट्रा ग्रो सो ये जो फेवरेबल जोन होता है ना जहाँ पर कोल्ड वाटर और वार्म वाटर मीट करता है दैट इज़ अ फेवरेबल जोन वहाँ पर जो लाइफ है वो बहुत ही फेवरेबल हो जाता है उसको सूट करता है सो so, वहाँ पर अलग अलग तरीके का वेजिटेशन एल्गे प्लैंगटॉक प्लैक्टन ग्रो करता है जिसकी वजह से फिशेज जो हैं उनको खाना मिलते रहता है दिस इज़ फूड फॉर फिश देआर फॉर फिश कम हेयर इन लार्ज नंबर एंड ब्रीड सो ये भी एक रीज़न है जैसा मैंने आपको बताया कि जो फिशेस हैं उनको क्लाइमेट सुटेबल होता है वो बहुत सारे एग्स देते हैं वहाँ पर और ऐसे ऐसे जो जोन होते हैं वहाँ पर इनका फूड भी बहुत लार्ज नंबर में ग्रो करता है जिसकी वजह से आकर वो वहाँ पर ब्रीड भी, भी करते हैं प्लस उनको खाना भी अवेलेबल होता है दिस हैज़ इंटरनलेट टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फिशिंग ग्राउंड सो इसके वजह से ऐसे जो जोन होते हैं वो लार्ज स्केल पर वहाँ पर फिशिंग होती है ग्रैंड बैंक नियर द नॉर्दर्न अमेरिका कोस्ट

नहीं आपको साइकिल चलाने में बहुत ही एनर्जी लगानी पड़ेगी बहुत ही ताकत लगानी पड़ेगी बट अगर आप हवा के फ्लो के साथ में जा रहे हो सो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा अगर आप ज़्यादा पैंडलिंग ना भी करो तो जो हवा है वो आपको ढकेलता हुआ लेकर जाएगा राइट right, स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ होता है ओशन में भी जब ओशन करेंट्स फ्लो करते हैं जिस किसी डायरेक्शन में अगर वो जो शिप है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है सो so, वो कम फ्यूल खर्चा करके कम एनर्जी खर्चा करके वो ओशन के करंट के फ्लो के साथ में जा सकता है राइट और अगर वो इसका अपोज़िट करे यानी कि करंट के अगेंस्ट फ्लो करने की कोशिश करे तो उसे बहुत ज़्यादा फ्यूल बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आगे मूव करती रहे

बहुत ही कम होने के चांस होते हैं और प्रेसिपिटेशन हवे में जो वाटर वेपर्स एंड ऑल होते हैं वो भी कम हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्यूरो चिल द एरेड डेजर्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका सो ऐसा एक जोन है साउथ वेस्ट अफ्रीका में जहाँ पर डेजर्ट एरिया और जहाँ पर मोस्टली कोल्ड वाटर करंट फ्लो होता है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम हो जाता है एट प्लेसिस वे आर द कोल्ड एंड वार्म करंट मीट थिक फॉग इज फॉर्म तो ऐसे जो एरियाज होते हैं जहाँ पर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर एक दूसरे से मीट करते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थिक फॉग हो जाता है बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो जाता है सच फॉग क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं या बोट होते हैं वो ऐसे जो जोन में जब जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारा फॉग है तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनकी विजिबिलिटी जो होती है यानी कि जो आसपास का सराउंडिंग उनको दिखना दिखना चाहिए वो दिखाई देना बंद हो जाता है और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं शिप आपस में टकरा सकते हैं शिप जाकर किसी आइलैंड से टकरा सकता है कहीं आइलैंड पे जाके फंस सकता है या फिर वो किसी लाइक like, जो छोटे uh, छोटे जो टेंचरीस रॉक्स होते हैं टेंचरस रॉक्स होते हैं उससे जाके टकरा सकता है और टाइटेनिक जैसा डूब भी सकता है द वॉम गल्फ स्ट्रीम एंड द कोल्ड लेब्रोडोर करंट्स मीट नियर द न्यू फाउंड न्यू फाउंड लैंड आइलैंड दिस लीड टू डेंस फॉग बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट्स आइस बर्ग्स आर कैरीड अवे फ्राम पोलर एरियाज इफ़ सच आई आइस बर्गस कम अलॉन्ग द मरीन रूट्स दे आर हजारडज टू द शिप अब कई बार क्या होता है जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो बड़े बड़े आइसबर्ग्स को बर्फ़ के टुकड़ों को अपने साथ में बहा कर लेके जाते हैं और इनके बहा कर जाने की वजह से क्या होता है कि एक जाकर किसी शिप से भी टकरा सकते हैं और अगर वो शिप से टकराएंगे तो उनके टकराने की वजह से वो शिप जो है वो हजार यानी कि उसको खतरा हो सकता है वो डूब सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें फिगर 5.5 में डीप ओशन करंट के बारे में बताया कि जो डीप ओशन करंट है वो कैसे फ्लो करता है कैसे उसका मूवमेंट होते रहता है डीप ओशन करंट वाटर करंट्स बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ फाइव हंड्रेड मीटर्स आर नोन एज डीप वाटर ओशन करंट्स दिस करंट्स आर फॉर्म टू द ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इन दार्ट ऑफ ऑफ द ओशन सो ये जो करंट होता है स्किट्स वो सबसे पहला क्यों फॉर्म होता है जो इक्वेटर जोन जो हमारा है इक्वेटर यहाँ पर सबसे ज्यादा सन लाइट पड़ती है सबसे ज्यादा सन लाइट पड़ेगी तो यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा आफ्टर दिस जो जोन हमारा जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का जो जोन है वहाँ का जो पानी होता है वो कोल्ड होता है सो so ये भी राइज़ देता है डीप ओशन करंट्स को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस आता है उसके वजह से सेकेंडली जो वाटर की सेनेटी है यानी कि कितना उसमें सॉल्ट अवेलेबल है अगर सॉल्ट बहुत सारा है तो क्या होगा वो पानी डेंस हो जाएगा और जैसे वो डेंस होगा तो समंदर के नीचे जाने लगेगा सिंक होने लगेगा और जो कम डेंस वाटर है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा फिर वो फ्लो होते होते किसी और जोन में जाएगा वहाँ पर कोस्ट लाइन के पास जो कोस्ट है उसका जो सॉल्ट है वो पानी के साथ मिक्स होगा फिर वो पानी हैवियर होगा और फिर वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से फ्लो होना शुरू हो जाएगा और बस ये जो सर्कल है वो चलता ही रहेगा इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग दिस इज नोन एज थर्मोलैन सर्कुलेशन दिस करंट फ्लो टिल द सी बेड ऑफ द ओशन सो ये जो सी का सबसे गहरा पार्ट होता है सी का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है वहां तक ये करंट फ्लो करता है जो सर्फेस करंट था वो सिर्फ सर्फेस यानी कि पांच सौ मीटर के डिस्टेंस तक ही फ्लो करता है बट ये जो होता है यानी कि नाइंटी परसेंट पार्ट ओशन का इस ये करंट फ्लो होते रहता है दे फ्लो लाइक रिवर कंटिन्यूसली बिलो द सर्फेस ऑफ the सी एक रिवर के जैसा जैसे एक नदी बहती रहती है बस वो समंदर के नीचे सरफेस के नीचे वो बस ऐसे ही फ्लो करते रहता है कंटिन्यूसली किसी किसी फ्लो का जो स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है किसी किसी फ्लो का जो स्पीड होता है वो कम होता है बट वो फ्लो होते रहता है नॉन स्टॉप द डिफ्रेंस इन टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओशन इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड द डीप सी करंट सो जो टेम्परेचर है अर्थ पे वो अनइवन है कहीं कोल्ड क्लाइमेट है कहीं हॉट क्लाइमेट है उसके वजह से ये भी फ्लो करते रहता है, और ये सबसे मेजर रीज़न है कौन सा सबसे मेजर मेजर रीज़न है टेम्परेचर वार्म वाटर हैज़ लोअर सैनिटी एंड डेंसिटी जो गर्म पानी होता है उसका डेंसिटी कम होता है सच वाटर कम्स टू सर्फेस ऑफ दी सी तो ये हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो करता है जैसे किड्स, आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी एक एग्जाम्पल दिया था हॉट एयर बलून का जो हॉट एयर बलून होता है उसमें बेसिकली उसकी जो बलून होती है उसमें हवा ही होता है कोई किसी तरीके का गैस नहीं होता है उस हवे को बस एक स्टोव के हेल्प से हीट करते हैं और जैसे वो गर्म होता है तो हमारा जो सरफेस यानी कि हम जाओ जिस लैंड पे रहते हैं वहाँ का जो हवा है वो थोड़ा सा कोल्ड होता है जैसे जैसे ये हवा उसके अंदर का बहुत ही गर्म होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो स्काई की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हो रहा है जो गर्म पानी जब पानी गर्म हो जाता है तो सरफेस पे ऊपर की तरफ आने लगता है कोल्ड वाटर विथ हाई डेंसिटी गोज डाउन जो ठंडा पानी होता है ठंडी जो चीज़ें होती हैं उसकी डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है और उसकी सेनेटी भी ज़्यादा होती है यानी कि नमक भी उसके अंदर ज़्यादा होता है दिस मोमेंट कॉज द डीप सी वाटर करंट्स इस मोमेंट की वजह से डीप सी करंट्स होते हैं जनरली द सर्फेस वाटर नियर ग्रीन लैंड एंड यूरोप मूवस टू मोर डेप ग्रीन लैंड और यूरोप के पास जो ओशन का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही गहरा है तो हमेशा वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाता है दिस वाटर मूवस टू द एटार्क्टिका एट दिस डेप्थ लेटर द वाटर मूव्स टू द सर्फेस एंड थर्स री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑफ द ओशन वाटर किप्स ऑकरिंग सो इसके वजह से ओशन का जो स्ट्रक्चर है उसके चेंजस की वजह से ये जो लूप है कि पानी सी बेड तक जाता है फिर सी बेड से वापस टकरा के ऊपर की तरफ आता है और बस ये कंटिन्यूसली होते रहता है दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स अराउंड 500 हंड्रेड ईयर्स टू कम्प्लीट सो ग्रीन लैंड और यूरोप के पास जो और एंटार्टिका के पास जो डेप्थ तक पानी जाके यानी करंट जो फ्लो होता है उसको टोटल 500 हंड्रेड ईयर्स लगते हैं दिस टाइप ऑफ मोमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेयर बेल्ट एक जैसे इंडस्ट्री में किसी कंपनी में एक कन्वेयर बेल्ट होता है उसके ऊपर आप कोई सामान रख दो और वो सामान बस एक डायरेक्शन में जाते रहेगा उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट ऐसे ही कन्वेयर बेल्ट हमारे ओशन में भी है जहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल डेप्थ तक जाता है फिर डेप्थ से जाने के बाद फिर वापस से ऊपर की तरफ आता है एंड दिस प्रोसेस टेक्स अराउंड फाइव हंड्रेड टू कंप्लीट इंपॉर्टेंस ऑफ डीप सी डीप ओशन करंट्स इसका इंपॉर्टेंट क्या है ये क्यों हमारे लाइफ के लिए जरूरी है सो so, इसका रीज़न बहुत सारे हैं किड्स इससे क्या होता है जो ऑक्सीजन लेवल है वाटर में वो भी बना हुआ रहता है पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स एंड ऑल है वो सब कुछ प्रॉपरली मिक्स होते रहता है ड्यू टू थर्मोलाइन सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ द सी वाटर ऑकर्स ऑन लार्ज स्केल जो पानी है वो बहुत ही लार्ज स्केल में पूरा ओशन का पानी है वो घूमते रहता है एक जगह स्टिल नहीं रहता है बिकॉज

सो दिस वॉज इट अबाउट द एक्सप्लेशन किड्स अगर आपको हमारा एक्सप्लेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या आपको किसी और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन थैंक यू